गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वीना विस्ट एसएससी टीजीटी भावराव देवरा सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से भूगोल से भारत का भौतिक स्वरूप अध्याय के बारे में आज आपको बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। हमारे देश की विभिन्न भू आकृतियाँ हैं और इन भू आकृतियों का निर्माण भूगर्भीय प्लेटों के कारण होता है। ये भूगर्भीय प्लेटें क्या होती हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। भूगर्भीय प्लेटें हमारी पृथ्वी के भीतर जो विद्युत ताप होता है उसमें उठने वाली तरंगे होती हैं। इन तरंगों के कारण जब ये तरंगे ऊपर उठती हैं तो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो है वो फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में बढ़ जाता है और यही भारत की विभिन्न भूगोलिक आकृतियाँ हैं जिनके विषय में मैं आज आपको बताऊंगी। ये विभिन्न भू आकृतियाँ हैं पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। इसमें सबसे पहले मुख्य भौगोलिक वितरण के अंतर्गत पर्वत आते हैं। पर्वत में जैसे आप सभी को पता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला इसको हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं, हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक। उसके बाद हमारा ये वलित पर्वत श्रृंखला होती है और हिमालय पर्वत की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर तथा इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। देशांतरीय विस्तार तथा के कारण जो है इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया, तीन भाग हैं, मध्य हिमालय, महान हिमालय यानी कि हिमाद्री जो हिस्सा बर्फ से ढका रहता है, मध्य हिमालय जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं, और जो निचली श्रृंखला होती है उसको शिवालिक कहते हैं यानी शिवालिक श्रृंखला। पश्चिम से पूर्व तक इन क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजन किया गया है। इनको पंजाब हिमालय, कश्मीर तथा मध्य हिमालय आदि के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय और ब्रह्मपुत्र हिमालय के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके बाद जो दूसरी आकृति है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, उत्तरी मैदान। ये उत्तरी मैदान प्रमुख तीन नदी प्रणालियों के अंतर्गत सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के रूप में बटी हुई है। इसके भी तीन उपवर्ग हैं, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। आकृतियों में विभिन्नता के आधार पर इसको चार भाग में बांटा गया है, भावर, तराई, भांगर और खादर। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति जो स्थल की आकृति है वो मेज के आकार की मानी जाती है और ये सबसे प्राचीनतम भूभाग हमारे देश का है। इसके भी दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। पश्चिमी तथा पूर्वी सिरे पर पश्चिमी तथा पूर्वी घाट हैं और यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार में अधिकतर जो मृदा पाई जाती है उसको काली मृदा कहते हैं। काली मृदा को दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। अगली भू आकृति के अंतर्गत भारतीय मरुस्थल आते हैं। भारतीय मरुस्थल, जैसा कि आप सभी को पता है कि बालू और रेत के टिब्बे जिनको से ढकी हुई जो तरंगित मैदान होते हैं वो मरुस्थल कहलाते हैं। हमारे इस भारतीय मरुस्थल में थार का मरुस्थल आता है और भारतीय मरुस्थल में सबसे लंबी जो बड़ी नदी है उसका नाम लूनी है। अगला जो हमारी भू आकृति है उसको तटीय मैदान के अंतर्गत लिया गया है। तटीय मैदान में प्रायद्वीपीय पठार के किनारों का जो संकीर्ण तटीय पट्टियाँ होती हैं वो तटीय मैदान कहलाती हैं। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट पर कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट आते हैं और पूर्वी तट पर इसे उत्तरी सरकार या कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। और अंत में जो प्राकृतिक भू आकृति हमारी है द्वीप समूह। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो पृथ्वी का जो हिस्सा, जो स्थल भाग चारों ओर पानी से घिरा हो द्वीप समूह कहलाता है। इसके अंतर्गत हमारे देश में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह आते हैं। तो इस प्रकार आज हमने विभिन्न भू आकृतियों के बारे में जो कि हमारे देश में स्थित है उनके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।